कैसे मैं तो एकदम बढ़िया। आप बताओ कैसे चल रहा है सर? हैं? थोड़ा सा टेंशन में हूँ सर। पहले पहले ट्रेडिंग किया था, मार्केट हाँ में घुस गया था और पता नहीं कैसे ले लिया कुछ स्टॉक, मुझे लग रहा था एशियन पेंट, मैंने घुस गया उसमें। हाँ और बाद में तो वो आया था कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने आया था, लेकिन मैं निकला नहीं तो रह गया वो, मतलब ऐसे ही। तो बहुत ही लॉस चल रहा है सर, अभी क्या करें। उसका मार्केट में उसका कंपिटिटर भी है, तो हाँ ऐसा ना मैं उठाना इसलिए नहीं चाह रहा हूँ सर, पैसे उठा के ऐसा ना है कि मैं उसमें ऐसा ना कर दूँ। तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ फुल टाइम, तो गलत अच्छा ना कर दूँ इसके लिए सर। तो उसको रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ही लॉस चल रहा है ना, ऐसे 70,000 के आसपास लॉस है सर, क्या करें सर उसको थोड़ा बड़ा टॉप पे ले लिया है राजेश जी। ये देखिए क्लासिक केस, आपने कहा एशियन पेंट में करेक्शन आया है तो इन्वेस्टर को सोचना चाहिए, लेकिन इंद्रजीत जी ट्रेडर हैं, इन्होंने 3423 पे लिया है, एकदम टॉप पे जाके लिया। अब आ गया 2800, 600 रुपये करीब नीचे है, क्या करें ये? नीरज जी, हम हमेशा कहते हैं कि अच्छी न्यूज़ हमेशा टॉप पे आती है और बुरी न्यूज़ हमेशा बॉटम पे आती है। तो मेरे हिसाब से जितना भी बुरा सुनना था मैंने सुन लिया एशियन पेंट के बारे में। अभी इससे ज़्यादा बुरा मुझे तो नहीं लगता है, इमीडिएट बेसिस पे कुछ होगा, थोड़ा फैक्टर्ड इन है, डिस्काउंटेड है प्राइस में, तो मेरे हिसाब से तो ये क्लियर कट होल्ड है। रही बात लेवल्स की, तो देखिए अगर मैं वीकली चार्ट देखूँ नीरज जी, तो 2800 के आसपास 200 वीक्स मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। हम जनरली 200 डेज की बात करते हैं, मैं यहाँ पे 200 वीक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है 2800 के आसपास। और यहाँ से एक मुझे लगता है रिलीफ रैली आनी चाहिए, प्रोबेबली अप्रैल मई में आएगी, जिसका टारगेट होगा करीबन 3100 का, 3100 3200। तो देखिए ये लेवल बढ़िया है, ऑब्वियसली इस लेवल पे तो मैं होल्ड की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस होगा आपका जैसे मैंने कहा 2800 के नीचे, एटलीस्ट 40-50 पॉइंट, लेकिन मुझे नहीं लगा वो हिट होगा, काउंटर ठीक है।